जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको निशुल्क करवा रहे हैं। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमने 3-4 टॉपिक खत्म कर दिए थे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद क्या होता है, बहुपद के किस किस तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं, क्या क्या वेराइटी इसमें बन जाती है, उन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक की अगर अपन जानकारी दें तो जो संख्याओं और बीजों के मेल से बनता है उस व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक अक्षर यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं 4x+5, यानी कि 4x+5, अगर ये कंप्लीट मिला के हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जहां पर ये जो x है इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांक, यानी कि बीज का अंक। अब देखिए, इस x को वैसे दो राशियां होती हैं, एक होती है चर राशि और एक क्या होती है, अचर राशि। चर राशि जो होती है और अचर राशि जो होती है, इनसे मिलकर भी किसका निर्माण होता है, बहुपद का। देखिए, चर जो होता है, चर का जो मान है वो क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, यानी कि चर का मान परिवर्तित होता रहता है। और अचर जो है, अचर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अचर जो है, अचर एक जगह स्थिर रहता है ना, मतलब अचल जिसको बोलते हैं, अचर स्थिर रहता है। और चर जो है, चर का मान बदलता रहता है, कोई भी नई वैल्यू डालो, कोई भी नया मान डालो नया मान आ जाएगा, कोई नया डालो नया मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है 4x+5, अब x की मैं अगर यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करूँ या x का अलग अलग मान पुट करूँ तो मुझे इसके पूरे का मान अलग अलग आ जाएगा। एक जगह रखूँगा तो 9 आएगा, अगर 0 रखता हूँ तो 5 आएगा, 2 रखता हूँ तो 8 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13 13 आ जाएगा। तो मतलब चर राशि हम उसको कहते हैं जिसमें उसका जो मान होता है वो कैसा रहता है, बदलता रहता है। और अचर जो है वो कांस्टेंट होते हैं, जो संख्याएं हमारी होती है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, अचर राशियां हैं। एक जो है, एक का मान हमेशा एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं, परिवर्तित नहीं होगा, है ना। इसका मतलब चर और अचर अपने को समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये जो x है इसको हम क्या कहने वाले हैं, बीजांक। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संख्या है कौन कौन सी है, यहाँ पर अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो संख्याएं एक तो क्या है, 5, और एक क्या है, 4। ये 5 और 4 क्या है, संख्याएं हैं। तो ये तो बीज x यानी कि चर, और ये जो है वो क्या है, संख्याएं। तो इनसे मिलकर जिसका निर्माण होता है हम उसको बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो 5 है इसको हम क्या बोल सकते हैं, अचर, अचर नंबर है। और ये जो 4 है, ये 4 जो आपको दिख रहा है, ये 4 इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट, यानी कि गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक, इंग्लिश में बोले तो कोफिशियंट। बात समझ में, यानी कि ये है चर, चर मतलब वेरिएबल, चर को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसको हम चर कहते हैं। जो कांस्टेंट रहते हैं एक जगह पे उनको हम अचर कहते हैं, और जो वेरिएबल हमारा होता है, वो जो चर हमारा होता है, चर के आगे जो रहता है हम उसको, उसका कोफिशियंट यानी कि गुणांक बोलते हैं। बात समझ में, बहुपद क्या होता है, इसमें चर अचर राशियाँ होगी यानी कि संख्याएँ होती हैं, बीज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे हमारे पास जो आया वो आया बहुपद। देखिए, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक में चर x की घातें पूर्ण संख्या हो तो इसे क्या कहते हैं, बहुपद। अपने को ये याद होना चाहिए कि हमारे पास जो बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें क्या होगी, संख्याएं होगी, बीज होगी। बीजीय व्यंजक में चर x की घातें, जो हमारा चर होता है, उस चर की अगर घात पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपद को किससे निरूपित किया जाता है, px से, p मतलब पॉलिनोमियल, px से निरूपित किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, px बराबर
थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये जो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है? बहुपद है। बहुपद कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? एक चर राशि, ये भी चर, ये भी चर, और ये भी क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है। अब इन चर की घातों को जब हम देख रहे हैं तो ये जो चर की घातें हैं ये कैसी हैं? पूर्ण संख्या है। चर की घातें कैसी हैं? पूर्ण संख्या। तो जहाँ पर चर की घातें पूर्ण संख्या होगी उनको हम क्या कहने वाले हैं? बहुपद कहने वाले हैं। बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुपद कितना भी बड़ा हो सकता है। अब घात हैं, घात यहाँ पर चार हैं, हम पांच भी लगा सकते हैं, हम छः पद का बहुपद भी बना सकते हैं, सात घात का बहुपद भी बना सकते हैं, कितनी भी घात का बहुपद बना सकते हैं। यह बात भी अपने को समझ में आना चाहिए। देखिए, बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो अलग अलग पदों के होते हैं। अगर एक ही पद है तो एक पदीय हो जाएगा, अगर दो पद हैं तो द्विपदीय, तीन पद हैं तो त्रिपदीय, है ना। ऐसे बीजीय व्यंजक भी अलग अलग नाम होते हैं। तो हमारा जो बहुपद होता है, बहुपद हम उसको कहेंगे जिसमें चर की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और जो परिमित संख्या में बहुपद होते हैं वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, यानी कि कितने भी पद उसमें हो सकते हैं। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। चर क्या है, अचर क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि ये अपने को याद रहना चाहिए कि चर हम किसको कहते हैं, अचर हम किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। बहुपद में अपने को सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि चर जो होता है, चर की घात हमेशा कैसी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ और चीजें यहां पर लिखी हुई है जो महत्वपूर्ण है बहुपद में, कि किसी बहुपद में स्थित पद की अधिकतम घात को ही उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ऐसा प्रश्न भी कई बार साधारणतया आ जाता है, जनरली इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी छोटे रूप में हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए एक बहुपद अपने को दे देंगे, बताइए इस बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, तो अपने को कैसे बतानी है? अपने को बतानी है कि उस बहुपद में जो चर राशि है, उस बहुपद में जो चर राशि है, उस चर राशि में जो उसकी अधिकतम घात है, उस अधिकतम घात को ही हम क्या कहने वाले हैं? बहुपद की घात कहने वाले हैं। किसी बहुपद में स्थित पद की अधिकतम घात वाले पद की घात को उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे एक बहुपद मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, पाँच एक्स की पावर चार माइनस तीन एक्स की पावर तीन प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस वन। अब जब मैंने इस बहुपद को देखा तो इस बहुपद में जो अचर राशि है यानी कि x, इस x की अधिकतम घात कितनी है? चार। अधिकतम घात कितनी दिख रही है? चार। तो हम क्या कहेंगे कि इस बहुपद की जो घात है वो भी कितनी है भैया? चार है। यानी कि अपने को सिर्फ और सिर्फ ये देखनी है कि उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। आगे देखिए, यदि किसी बहुपद की घात एक होती है, अगर कोई बहुपद हमारे पास ऐसा है जिसमें घात कितनी हो? एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं x प्लस वन, अब x प्लस वन है, x प्लस वन में ये जो चर राशि है x, इसकी घात कितनी है? एक। अब जब इसकी अधिकतम घात ही एक है तो ऐसे पद को, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, यानी कि घात कितनी होनी चाहिए? एक। आगे देखिए, सभी अचर पद शून्य घात के बहुपद होते हैं। जितने भी हमारे पास अचर पद होते हैं, अब अचर पद किसको कहेंगे हम? जैसे मैंने कह दिया पांच, सिंपल पांच, ठीक है, अचर है ओनली, चर राशि इसमें कहीं से कहीं तक ऐड नहीं है, तो ये क्या हो गया? अचर पद। क्या हो गया? अचर पद। तो अचर पद को हम जो बोलते हैं कौन सी घात? शून्य घात के बहुपद कहते हैं। अचर पद को शून्य घात के बहुपद कहते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अचर पद की घात कितनी होती है, तो अचर पद की घात कितनी होती है भैया? शून्य होती है। अचर पद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, शून्य जो है यानी कि जीरो जो है, जीरो को हम शून्य बहुपद कहते हैं, तथा शून्य बहुपद की जो घात है वो परिभाषित नहीं होती। ये बात अपने को याद रखनी है कि अगर किसी बहुपद में उसकी अधिकतम घात एक है
तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। पहली चीज हमें यह याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई अचर बहुपद है, हमसे पूछा कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो हमें याद होना चाहिए कि अचर बहुपद की घात जीरो होती है। और अगर हमसे ये पूछे कि जीरो जो है, जीरो उसको क्या कहते हैं, तो जीरो यानी कि शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं, और शून्य बहुपद की जो घात है वो परिभाषित नहीं होती, यानी कि अपरिभाषित होती है। ये सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है, आगे चले। चलिए अब जो है हमारे पास वो है बहुपद की शर्त, यानी कि जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद बहुपद बनने के लिए उसकी क्या शर्त है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम देख कर ये कह सकते हैं कि हाँ ये बहुपद है। ये अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी पद हमारे पास आ जाते हैं जो बहुपद नहीं होते। इससे पहले आपको मैंने बताया बहुपद हम किसको कहते हैं, जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए, बहुपद होने के लिए सभी चरों की घातें पूर्ण संख्या के साथ, सभी चरों की जो घातें हैं वो कैसी होनी चाहिए भैया, धनात्मक। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और धनात्मक होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या तो हो ही सही, उसके साथ क्या हो, धनात्मक भी होनी चाहिए। अगर कोई घात ऋणात्मक है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं हो सकता। बात समझ में आई। अगर कोई भी हमारे पास सामने बहुपद दिया हुआ है, जैसे हमारे पास ये कुछ उदाहरण है, इनको देख के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक एग्जाम्पल जो मेरे पास है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला दिया हुआ है 3x square minus 5x plus 13, यानी कि 3x square minus 5x plus 13। हमको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, हमें देखनी है चर राशि, बिल्कुल क्या है चर राशि x। फिर देखनी है उनकी घातें, अब इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 1। अब देखिए ये जो 2 है ये धनात्मक भी है, प्लस में है घात, ऋणात्मक तो नहीं है। दूसरी बात, ये जो 2 है ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, यानी कि इनकम्प्लीट नंबर नहीं है। ये जो 2 है धनात्मक भी है, पूर्ण संख्या भी है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भैया ये क्या है, हमारा बहुपद है। क्या है, बहुपद है। दूसरा जो दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2√3, यहाँ पर भी हमें किसकी घात देखनी है, सिर्फ चर पद की, यानी कि घात यहाँ भी कितनी है 2 है, कितनी है 2 है, और ये जो 2 है धनात्मक भी है पूर्ण संख्या भी है, इसका मतलब इसको भी हम क्या कह देंगे, ये भी क्या है, बहुपद। कई बार इसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो ऐसा आ रहा है, ये बहुपद तो नहीं हो सकता। इसको नहीं देखना है भैया, हमें क्या देखना है, चर पद की घात देखनी है। चलिए तीसरा जो हमारे पास है, अब बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे देखने से अगर आपको पता नहीं चल रहा है इसकी घात 1, ये अगर सिंपल यही होता तो हम कह देते हैं हाँ ये बहुपद है, लेकिन यहाँ पर एक और नंबर है 1/x, और ये जो 1/x होता है इसको हम x की पावर -1 कह सकते हैं, क्या बताया था मैंने, ठीक है, इसको हम x की पावर -1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो -1 है ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब जब ये ऋणात्मक हुआ तो यानी कि घात कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई, तो हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात जो है वो कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक हो गई, तो हम सिंपल सी बात है कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आई बात, बहुपद के लिए क्या शर्त होती है, घात जो होती है चर पद की वो धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आगे चलिए, अब है नेक्स्ट बहुपद के शून्य अंक। यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है एग्जाम में। बहुपद के शून्य अंक में वो चर राशियां जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य के तुल्य कर दे। बात का मतलब ये है कि हमारे पास कोई बहुपद है, अब उस बहुपद में से हमसे ये पूछा गया कि बताओ इसके शून्य अंक क्या होंगे, या कोई हमें एक नंबर दे दिया जाएगा, कोई एक बीजीय व्यंजक दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये इस बहुपद का शून्यांक है क्या। तो शून्यांक का क्या मतलब है ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर शून्यांक जो है, जैसे संधि विच्छेद करोगे तो शून्य धन अंक,
शून्य धन अंक को मिला के जब हम लिखते हैं तो क्या बन जाता है, शून्य अंक बन जाता है। यानी कि शून्य अंक इसका मतलब एक ऐसा अंक जो उस बहुपद पर अगर हम उसे रख दें तो वो उस बहुपद का मान क्या कर देगा, शून्य के बराबर कर देगा। शून्य अंक का अर्थ समझ में आया, एक ऐसा अंक जिसे हम बहुपद में रख दें तो बहुपद में रखने के बाद वो उस बहुपद का जो मान है उसे जीरो कर देगा, शून्य के बराबर कर देगा। बात समझ में, यानी कि बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि बहुपद के शून्यांक में वो चर राशि जो बहुपद के शून्य के तुल्य कर दे, सिंपल सी बात है। यानी कि ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसका मान हम उसमें रख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है। बहुपदों के शून्यांकों की संख्या जो होती है, अब क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कोई बड़ा सा बहुपद दे दिया, बताओ इसमें बहुपद की घात कितनी है या बहुपद के शून्यांक कितने हैं, तो जो चर राशि है उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो उस बहुपद की घात होती है, हमने सीखा। अब अपने को ये सीखना है कि जो उस बहुपद की घात है उसी के बराबर उसके शून्यांकों की क्या होती है, संख्या होती है। जैसे अगर कोई बहुपद है एक्स की घात उसमें चार है, अब जब वहाँ पर चर की घात चार है तो फिर उसके शून्यांक भी कितने होंगे, चार ही होंगे। किसी पर पाँच है तो शून्यांक कितने होंगे, पाँच होंगे। किसी में दो है तो शून्यांक क्या होंगे, दो होंगे। बात समझ में। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, x की घात चार है प्लस पाँच की घात तीन प्लस आठ की घात दो प्लस दो एक्स प्लस एक की घात कितनी है, चार है। अब देखिए इसकी घात कितनी है, चार। ये सबसे बड़ी घात कौन सी है, चार है। अब जब सबसे बड़ी घात ही चार है तो हम क्या कहेंगे, शून्यांकों की संख्या जो है वो भी क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। यानी कि जो बहुपद हमारे पास है उसकी जो अधिकतम घात है उसी के बराबर उसके शून्यांकों की संख्या हो जाती है, ये अपने को याद होना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं, शून्यांक कैसे निकालते हैं इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। चलिए आगे चले, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स की घात दो प्लस चार एक्स प्लस पाँच को एक्स प्लस दो से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। अब अपने को ये बोला गया है कि एक ऐसा बहुपद हमें दिया है उसको अपन किससे विभाजित कर रहे हैं, दो से, तो शेष क्या बचेगा। अब देखिए विभाजित का मतलब है कि अपने को भाग देना है, किसका भाग देना है, एक्स प्लस दो का। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम इसे भाग विधि से करें, अगर भाग विधि से नहीं करें तो फिर शून्यांकों से करें। यानी कि हम मान लेते हैं कि ये जो x प्लस दो है इससे ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अभी अगर विभाजित होगा तो शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन अब हमसे पूछा यही है कि शेष क्या बचेगा, इसका मतलब इससे विभाजित करना है तो ये जो x प्लस दो है इसका मान किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x का जो मान आया वो कितना आया, माइनस दो। कितना आया, अब ये जो x का मान माइनस दो आया इसे मुझे क्या करना है, बहुपद में रखना है। क्या करना है भैया, बहुपद में x का मान रखने पर, बहुपद में क्या करना है, x का मान रखना है। चलिए रख दीजिए p, x की जगह क्या रखना है, माइनस दो। x की जगह क्या रखना है, माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार माइनस दो प्लस पाँच। अब देखिए माइनस दो का स्क्वायर कितना होता है, माइनस माइनस दो बार गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और दो का स्क्वायर कितना आया, चार प्लस। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये कितना आया, आठ प्लस पाँच। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया, 9 माइनस आठ, 9 थोड़ा सा अजीब बन गया ना, सही कर देते हैं इसको, सही हो जाओ भैया। चलिए 9 माइनस आठ इसका मतलब कितना आया, एक। यानी कि अगर मैं x की जगह माइनस दो रख रहा हूँ तो यहाँ पर शेष क्या बच रहा है, एक। तो ये जो है वो क्या बचा, शेष बचा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं, दूसरा इसका जो है वो भाग विधि भी है भैया, भाग विधि, हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। एक और मेथड होता है इसका,
भाग विधि, जिसमें हम इस तरह से जैसे भाग देते हैं ना वैसे भाग दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, और इससे भी हमारा क्या जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ये तो आता होगा ना, बचपन में हमने सीखा है ना, बचपन से ही भाग कैसे दिया जाता है। लेकिन अभी तक हम कौन से वाले भाग सीख रहे थे, वो वाले बीजीय व्यंजकों के भाग देना आते ही होंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर वो संख्या लिखते हैं हम जिसको इससे गुणा करें तो ये आ जाए, x लिखा, x को इससे किया तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वही माइनस करना है, माइनस किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, माइनस हुआ, तो यहाँ कितना बचा, 2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, मुझे x लाना है तो मैं क्या कर दूँ, 2x लाना है तो यहाँ कितना लिख दूँ, प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 4, माइनस माइनस इनसे ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1। तो यहाँ भी शेषफल कितना आया, 1। इन दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा था इसलिए हम आसानी से इसको कर पाए, नहीं तो इसमें टाइम लगता है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट तुम तो देखो तो इस वाले मेथड को अप्लाई करना होगा हमें एग्ज़ाम में। ऐसा कोई अगर बीजीय व्यंजक, जरूरी नहीं है एक्स प्लस 2 हो, कोई और भी हमारे पास आ सकता है, एक्स प्लस 3 से भी कह सकते हैं, एक्स प्लस 4 से भी कह सकते हैं, एक्स प्लस 1 से भी कह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आया तो हमें उसको जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकाल लेना है, और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसे कहाँ पुट कर देना है, बहुपद में पुट कर देना है, हमारा शेषफल निकल के आ जाएगा। अगला एक प्रश्न और है, व्यंजक x के पावर 4 प्लस 1 में कम से कम क्या घटाया जाए कि x प्लस 1 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि एक बहुपद हमारे पास है, अगर हम उसको x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं तो उसमें से ऐसा क्या माइनस करें हम, तो माइनस करने पर यह बहुपद ऐसा बन जाए कि x प्लस 1 जो है उससे पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। प्रश्न की थोड़ी सी बस भाषा यानी कि लिपि चेंज हुई है, भाषा चेंज हुई है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन प्रश्न वैसा ही है। हमको क्या करना है, हमको शेषफल निकालना है, ठीक है। शेषफल कैसे, जैसे पहले निकाला था पहले वाले प्रश्न में, जब हम शेषफल निकाल लेंगे, शेषफल निकालने के बाद वो जो शेषफल बचेगा, अगर वो शेषफल जीरो होगा, यानी कि जीरो आएगा, पूर्णतया विभाजित होने के लिए शेषफल कितना आता है, जीरो। अब अगर वो जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे हाँ पूर्णतया विभाजित है, लेकिन जीरो नहीं आया, सपोज कीजिए एक आया, एक शेषफल बचा, तो फिर वो एक जो होगा, अगर हम उस एक को हटा दें, एक को हटा दें और एक की जगह जीरो आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या कम क्या घटाया जाएगा, फिर वो एक को क्या कर दो, उसमें से घटा दो, है ना, तो अपना आंसर वही होगा क्या जो शेषफल बचेगा, यानी कि क्वेश्चन तो वही है जो पहले वाला था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई। ठीक है करते हैं, देखिए हल जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्या, x प्लस 1, इसको किसके बराबर करना है, जीरो के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई, x प्लस 1 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 1। अब क्या कर देना है, x की पावर 4 प्लस 1 में रख देना है क्या, x प्लस 1, ये अगर बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या रखना है, माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1, अब देखिए माइनस वन की, वन को कितनी बार गुणा करूं, एक को कितनी बार गुणा करूं, एक ही आता है। अब यहाँ पर चार है तो चार बार जब मैं माइनस को गुणा करता हूँ, माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि वापस संख्या किसकी आई, प्लस की ही आई, तो कितना हुआ, 1 + 1, यानी कि कितना आया, 2। अब ये जो 2 आया, ये 2 क्या आया, शेषफल आया, ठीक है। अब देखिए पूछा हमसे क्या है कि कम से कम क्या घटाया जाए कि x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि बात ये है कि अगर ये 2 नहीं होता, ये 2 नहीं होता तो फिर यहाँ पे 0 आ जाता, ये 2 नहीं होता तो क्या आ जाता, 0 आ जाता, और किसी भी संख्या में हम किसी का भी भाग देते हैं 0 आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि हाँ ये पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब क्या घटाया जाए, तो 2 को अगर इसमें से क्या कर दें हम, घटा दें, 2 को इसमें से घटा दें तो ये जो संख्या है ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 2। बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है द्विघात बहुपद के गुणनखंड,
देखिए इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, द्विघात बहुपद के जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई भी हमें द्विघात समीकरण दे दी जाती है या द्विघात बहुपद दे दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो बहुपद होता है और एक समीकरण है। समीकरण में दो रहते हैं, RHS और LHS, दो पार्ट रहते हैं, बराबर का चिन्ह रहता है, जीरो रहता है ना, ठीक है। लेकिन हम अभी सिर्फ बहुपद की बात करें, जब हम समीकरण पढ़ेंगे तो समीकरण के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। देखिए द्विघात, यहाँ पर हम जब इसकी बात करेंगे तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो, घात यानी पावर, यानी कि ऐसा जिसमें चर की पावर क्या होती है, दो होती है, उनको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि जो होती है हमारे पास, उसकी अधिकतम जो पावर यानी कि अधिकतम जो घात है वो कितनी होती है, दो। अधिकतम घात कितनी होगी, दो होगी, उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक द्विघात बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। क्यों इसको द्विघात बहुपद क्यों कहा मैंने, द्विघात बहुपद इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है, क्योंकि यहाँ पर तो एक है, ठीक है। अब देखिए इसके गुणनखंड कैसे किया जाता है वो हमें याद होना चाहिए। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ये जो आठ है इस आठ के हमको क्या है देखना है, और एक ये जो पंद्रह है, ये पंद्रह, इन दोनों में हमें इस तरह से संबंध स्थापित करना है कि अपना काम बन जाना चाहिए। देखिए यानी कि हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको गुणा करें तो क्या आए, पंद्रह आ जाए, और जिनको जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए, आठ आ जाए। यानी कि मैं अगर यहाँ पे आपके लैंग्वेज बना के लिख दूँ तो ऐसे ऐसी संख्या, ऐसे दो संख्याएं, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर, पंद्रह मिले और जोड़ने या घटाने पर, कितना मिले, आठ मिले। यानी कि हमारे पास अगर द्विघात बहुपद आता है तो हमें ये देखना होता है, ये क्या देखना है, ये देखना है, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इस पंद्रह के, ये जो पंद्रह हैं, इस पंद्रह के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करे तो पंद्रह आना चाहिए और जोड़े या घटाए तो आठ दिया हुआ है तो आठ आना चाहिए। आप तो सिंपल सी बात है, पंद्रह के दो टुकड़े कर दो, यानी कि दो गुणनखंड कर दो पंद्रह के, क्या क्या हो सकते हैं, एक तो पंद्रह गुणा एक हो सकता है, पंद्रह को एक से गुणा करेंगे तो पंद्रह ही आएगा, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है पाँच और तीन, जब पाँच और तीन को गुणा करूँगा तो भी कितना आएगा, पंद्रह ही आएगा। अब देखिए इनको हम जोड़ें या घटाएं, भाई गुणा करने पर तो हमें क्या मिल रहा है, गुणा करने पर तो हमें मिल ही रहा है पंद्रह, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इनको हम जोड़ें या घटाएं कि हमें आठ मिल जाए, घटाने पर तो दो मिल रहा है। इनको हम जब प्लस करते हैं, पाँच प्लस तीन, हाँ ऐसे हमें आठ मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे वो कौन से दो इसके टुकड़े हो गए जिनको गुणा करने पर तो पंद्रह मिला और जोड़ने या घटाने पर आठ मिला, तो पाँच और तीन। अब यहाँ पर हमने इनको क्या किया, जोड़ा, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पाँच एक्स प्लस तीन एक्स प्लस पंद्रह। देखिए अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को क्या ले लो, कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, x प्लस पाँच बना। यहाँ से तीन कॉमन लिया तो ये क्या बना, x प्लस पाँच बना। अब देखिए ये x प्लस पाँच भी कॉमन है, तो x प्लस पाँच और x प्लस तीन, ये जो दो हैं ये हमारे पास जो आए
ये इसके क्या आए भैया, गुणनखंड आए। इसके क्या आ गए, ये गुणनखंड आ गए। इनका क्या मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब वही है, शून्य अंक वाला सिस्टम है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे -5 रखूंगा तो ये जीरो होना चाहिए फिर, है ना। इसका मतलब ये, इसके अगर गुणनखंड है तो x +5 अगर इसका गुणनखंड है तो फिर x की वैल्यू -5 रखने पर ये क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ट्राई करके देख लो। हमारे पास जो बहुपद था वो क्या था, x प्लस 8x प्लस 15। एक्स की जगह क्या रखना है, -5। -5 का स्क्वायर 8 -5 प्लस 15 कितना हो गया, ये 25 -40 प्लस 15। 25 और 15 40 -40 यानी कि क्या आ गया भैया, जीरो। इसका मतलब हाँ, ये वाकई में इसका क्या है, गुणनखंड है। यानी कि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो हमारे पास गुणनखंड निकल के आएंगे वो उसके शून्यांक रहते हैं। यानी कि वहाँ से जो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आती है वो अगर हम उस बहुपद में रख दें तो उसका मान जीरो आना चाहिए। बात समझ में, ये था हमारा बहुपद टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद टॉपिक समझ में आया होगा, किस किस तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। जनरली दो ही प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे घात पूछा जाएगा या ये पूछेंगे शून्यांक कौन से हैं, या फिर द्विघात बहुपद के गुणनखंड के बारे में आपसे पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस तरह से कोई भी द्विघात बहुपद दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताओ इसके गुणनखंड कौन से हैं, या इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये इसके गुणनखंड हैं या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा और जोश के साथ। आप इसी ऊर्जा और जोश से अपनी तैयारी बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आप अग्निवीर में सेलेक्ट होंगे। जय हिंद, जय भारत।